नमस्कार। मौसम की नवीनतम जानकारी के साथ एक बार फिर से हम आपके सामने उपस्थित हैं। भारत मौसम विज्ञान विभाग के दैनिक मौसम चर्चा में मैं अशिम कुमार मित्रा। आइए सबसे पहले आपके साथ प्रमुख जानकारी साझा करते हैं। अगले दो दिनों के दौरान पूर्वी और आसपास के मध्य भारत में बारिश की संभावना है और उसके बाद उसमें काफी कमी देखने को मिल सकती है। अगले 4 से 5 दिनों के दौरान की अगर हम बात करें, उत्तर भारत में घने से घने कोहरे या बहुत घने कोहरे देखने को मिल सकते हैं और एक पश्चिमी विक्षोभ जिसको हम वेस्टर्न डिस्टरबेंस कहते हैं 16-17 तारीख को उत्तर पश्चिम हिमालय को प्रभावित करेगा और दूसरा पश्चिमी विक्षोभ 18 से 20 जनवरी 2022 तक उत्तर पश्चिम भारत को प्रभावित करेगा। इसका मतलब है दो एक के बाद एक पश्चिमी विक्षोभ का आगमन होने जा रहा है। अगर हम सैटेलाइट की इमेज को देखें या देखिए इनसेट 3DR की इमेज को देखें तो एक पश्चिमी विक्षोभ आपको उत्तरी दिशा में उत्तरी भारत में आपको इस जगह में देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ एक पश्चिमी विक्षोभ आपको हरियाणा और आसपास में, हालांकि विजिबिलिटी या एक तरह से उसका जो बादलों का जो समूह है वो उसमें कम है, लेकिन अगर उत्तर भारत उत्तर दिशा वाले ये वाले भाग को अगर हम देखें यहाँ पश्चिमी इस पश्चिमी विक्षोभ में क्लाउड का जमा हुआ देखने को मिल रहा है। अगले 4 से 5 दिनों के दौरान जैसा कि हमने बताया उत्तर भारत में घने कोहरे भी देखने को मिल सकते हैं। अगर हम सर्कुलेशन जिसको हम कहते हैं साइक्लोनिक सर्कुलेशन चक्रवाती परिसंचरण, ये देखिए 3 चक्रवाती परिसंचरण यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, एक आपके महाराष्ट्र के पास, एक तमिलनाडु और दूसरा श्रीलंका के ऑफ कोस्ट के पास। और उसके साथ ही साथ आप देखेंगे एक ट्रफ लाइन जिसको हम कहते हैं ट्रफ लाइन गुजर रही है कर्नाटका, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और साथ में उड़ीसा और झारखंड के पास। ये मुख्य रूप से कारक है जो पूर्वी और उत्तर एक तरह से उत्तर पूर्वी भारत में या मध्य भारत में वर्षा होने की, हालांकि कुछ दिनों बाद अगले 2 दिनों के बाद इसमें कमी देखने को मिल सकती है। पिछले 24 घंटों के दौरान अगर हम देखें महत्वपूर्ण वर्षा जो हमारी वेधशाला में दर्ज की गई है उनमें प्रमुख रूप से हम बात करेंगे, तेलंगाना में 10 सेंटीमीटर, वारंगल रूरल में दर्ज की गई है, नूनान काल में कह सकते हैं सूर्यापेट में 8 सेंटीमीटर, कोल्हापुर जिसको हम कहेंगे एक तरह से कोल्हापुर दैट इज नागर कुरनूल इस जगह पे 7 सेंटीमीटर, उड़ीसा की अगर हम बात करेंगे कटक में 5 सेंटीमीटर, नरसिंहपुर में 4 सेंटीमीटर और साथ ही साथ अगर हम बाकी जगह की बात करें कोस्टल आंध्र प्रदेश रायल सीमा में इन जगहों पर भी वर्षा दर्ज की गई है। थंडर स्टॉर्म की बात करेंगे अगर हम, ये मुख्य रूप से छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल और सिक्किम, बिहार, तेलंगाना में दर्ज की गई है। इसको कह सकते हैं भीषण शीत दिवस की अगर हम बात करें ये मुख्य रूप से दर्ज की गई है पश्चिमी मध्य प्रदेश, और अगर हम शीत दिवस की बात करें ये मुख्य रूप से दर्ज की गई है पूर्वी राजस्थान, गुजरात और खासकर अगर हम कुछ पॉकेट्स की अगर हम बात करें पंजाब, पूर्वी मध्य प्रदेश और पश्चिमी राजस्थान में दर्ज की गई है। अगर हम कोहरे की अगर हम विषय में हमको बताया तो डेंस कोहरा जिसको कहते हैं आज दिल्ली में देखने को मिला है, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पश्चिमी मध्य प्रदेश, बिहार और त्रिपुरा में भी डेंस टू डेंस फॉग पिछले 24 घंटों के दौरान देखने को मिला है। आइए अब बात करते हैं जो वर्षा का जो दौर चलने वाला है एक तरह से पूर्वी और मध्य भारत में, ये मुख्य रूप से हम बात करेंगे रेनफॉल की। अगर हम पहले उत्तर भारत से अगर हम आरंभ करें वर्षा और बर्फबारी देखने को मिल सकते हैं हायर रीचेज में, ऊंची एक पहाड़ों पर देखने को मिल सकता है जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद में आज और कल 13-14 जनवरी को। अगर हम रेनफॉल की बात करें मध्यम दर्जे की, हल्की और मध्यम दर्जे की वर्षा बिहार, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, तेलंगाना, कोस्टल आंध्र प्रदेश में 13 आज और कल देखने को मिल सकता है। और साथ ही साथ अगर इसमें हम विदर्भ और छत्तीसगढ़ को भी अगर इसमें हम सम्मिलित करें तो यहाँ पर भी हल्की मध्यम वर्षा विदर्भ छत्तीसगढ़ को देखने को मिल सकती है। भारी वर्षा की अगर हम बात करेंगे ये तटीय आंध्र प्रदेश में और तेलंगाना में आज देखने को मिल सकती है, उड़ीसा भी इसमें सम्मिलित है, उड़ीसा, कोस्टल आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में। अगर थंडर स्टॉर्म की बात करें छत्तीसगढ़, तेलंगाना, उड़ीसा में आज देखने को मिल सकता है, अरुणाचल प्रदेश में भी आज देखने को मिल सकता है, साथ में रेनफॉल भी देखने को मिल सकता है। और अगर हम मुख्य रूप से बात करें पूर्वोत्तर राज्यों में असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर में 13 से 15 तक आपको यहाँ पे आइसोलेटेड रेनफॉल या वर्षा की यहाँ पे स्थिति बनती दिख रही है। अगर हम इन्फ्लुएंस बताएं साइक्लोनिक सर्कुलेशन, जैसे कि हमने बताया हवाओं का संगम एक बनने जा रहा था साउथ वेस्ट बे ऑफ बंगाल, दक्षिण बंगाल की खाड़ी, तो तमिलनाडु और आसपास एक लोअर ट्रोपोस्फेरिक लेवल में क्या होने जा रहा है वर्षा और थंडर शावर की जो संभावना वो आने वाले 5 दिनों के लिए बनी है तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकाल और केरला में। जैसा कि हमने बताया दो पश्चिमी विक्षोभ आ रहे हैं, एक 16 तारीख को और एक 18 जनवरी को। अब बात करेंगे हम कोल्ड वेव जिसको हम कहेंगे शीतलहर, कोल्ड डे, शीत दिवस और कोहरे की। कोल्ड वेव कंडीशन जिसको हम कहेंगे शीतलहर मुख्य रूप से नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्वी राजस्थान में, पश्चिम उत्तर प्रदेश में और पश्चिम मध्य प्रदेश में आने वाले 3 दिनों को देखने को मिल सकता है।
अगर हम शीत दिवस की अगर हम बात करें गुजरात स्टेट में, गुजरात में देखने को मिल सकता है, पंजाब हरियाणा चंडीगढ़ पश्चिम उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश और नॉर्थ राजस्थान में आने वाले 2 दिनों के लिए देखने को मिल सकता है। कोहरे की अगर हम बात करेंगे सुबह के वक्त और रात के वक्त मुख्य रूप से पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में असम मेघालय नागालैंड आने वाले 2 दिनों को देखने को मिल सकता है। पंजाब हरियाणा चंडीगढ़ दिल्ली उत्तर राजस्थान में आने वाले 3 दिनों को देखने को मिल सकता है। उत्तर प्रदेश बिहार सब हिमालयन वेस्ट बंगाल और सिक्किम में आने वाले 5 दिनों तक देखने को मिल सकता है। इसके क्या परिणाम या क्या उपाय होंगे ये हमारी आप वेबसाइट में आके देख सकते हैं। यह है 5 दिनों का पूर्वानुमान। जैसा कि हमने आपको अभी बताया मध्य भारत उत्तर पश्चिम भारत मुख्य रूप से प्रभावित होने जा रहे हैं, तो ये आप देख सकते हैं इनमें। इनकी पूरी जानकारी आप हमारे mausam.imd.gov.in में देख सकते हैं। कल एक बार फिर से हम आपके सामने उपस्थित रहेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।